हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है सरफेस एंड एरिया वॉल्यूम्स, पार्ट नंबर 10। हम अगले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं जो पार्ट नंबर 9 में अब तक सरफेस एरिया। अब देखिए इसमें सरफेस एरिया इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन है A glass having a population population of 4,000 required requires 150 liters of water. Per head per day it has a tank measuring 20 liter, 50 liter, 60 meter, for how many? Will the water of this 10 glasses ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। वैसे सॉल्व करेंगे इसको किस प्रकार, देखिए लेंथ ऑफ टैंक इसकी लेंथ क्या है, टैंक की लेंथ क्या है। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4,000 रिक्वायर्स 150 liters ऑफ वाटर पर हीट पर डे। इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 meters मल्टीप्लाई 50 meters मल्टीप्लाई 60 meters फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। इसकी जो लेंथ दी हमें कितनी दी है, 20 meters। हाइट ऑफ टैंक ब्रीथ ऑफ टैंक 6 meters so that volume of टैंक है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम को बोलूंगा एल इन
20 मीटर। और ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ कितनी इसकी, ब्रीथ है इसकी 15 मीटर, ये इसकी ब्रीथ है। इसकी ब्रीथ है 20, सॉरी, और ये इसकी हाइट है। तो 20 मीटर्स मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 मीटर। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई 20 जीरो, 15 टू 30 मल्टीप्लाई 6 होगा आपका 300 मल्टीप्लाई 6 वी इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ टैंक इस पर जो होगा 0.0 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम फाइंड कर लिया हमने, इसका वॉल्यूम जो दिया है, इसका वॉल्यूम आपका आ गया 1800 मीटर क्यूब। अब हमने 100 मीटर क्यूब है, 1800 मीटर क्यूब है, तो इसको हम लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसको हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई 1000, ये होगा आपका 1000000 18 लाख लीटर, क्या होंगे 18 लाख लीटर लीटर्स। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लीटर में फाइंड हो चुके हैं, अब इसको आप समझ लीजिए, इसके बाद हम नोट करेंगे क्वेश्चन में इतने बार लीटर्स आ गए हैं। अब इसको देखिए क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व किया हमने, लेंथ ऑफ टैंक कितना है 20 मीटर, ब्रीथ किसकी इसकी कितनी 15 मीटर, हाइट कितनी है इसकी टैंक 6 मीटर, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, इसका फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी इंटू एच, तो एल कितनी है हमारी, लेंथ कितनी है 20 मीटर, और 20 मीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ कितनी है 15 मीटर, और हाइट कितनी 6 मीटर, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ये होगा 300 मीटर मल्टीप्लाई 6, तो वॉल्यूम होगा आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया आपका 1800 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इसको लीटर में चेंज करने के लिए मीटर को जब भी लीटर में चेंज किया जाए, सो दैट इज वैल्यू इज 1000 लीटर, अगर जब भी हमने मीटर को मीटर में चेंज किया जाता है तो 1 मीटर की 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये होता है आपका 1000 लीटर। अब देखिए हमें कितना दिया है, डेली रिक्वायरमेंट वाटर कितना दिया है, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट देखिए, डेली रिक्वायरमेंट क्या कर रहे हैं, इसका डेली रिक्वायरमेंट, इसका हम डेली रिक्वायरमेंट क्या कर रहे हैं, वाटर, इसमें क्या करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, इसका डेली रिक्वायरमेंट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसका जब भी हमें डेली रिक्वायरमेंट लेंगे तो क्या दिया है, इसमें देखिए डेली रिक्वायरमेंट दिया है रिक्वायर्स 150 लीटर,
150 लीटर्स दिया है भाई, जब भी इसमें दिया है टेबलों में दिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, therefore requirement of 4000, ये हमें कितना दिया है population के लिए 4000 person of 1 million। भाई हर person के लिए 1 day के लिए कितना है 4000, 1 day के लिए कितना है 4000, so that इसलिए 4000 multiply 150 ये होगा 0000 6 इतने लीटर्स। ये आपके लीटर्स फाइंड हो गए, इतने लीटर्स, ओके ये आपके लीटर्स फाइंड हो रहे हैं 1 day के लिए, इतने के लिए 1 day के लिए हम फाइंड हो रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ, इसमें नंबर्स निकाल लीजिए कितने, ऑफ वन नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ डे मतलब एक दिन के लिए कितना आता है, कंसम और वाटर प्राइस, वाटर टैंक, इसके वाटर टैंक में कितना आता है पानी वो फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ टैंक निकालिए, वैल्यू ऑफ टैंक अपॉन ये वैल्यू ऑफ टैंक, टैंक की वैल्यू क्या है ये फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ वाटर इसकी वैल्यू ऑफ वाटर, वाटर में कितना आया था 4000 आया था पर्सन, 1 person के लिए 4000 पर्सन 1 day मतलब 1 day 1 person के लिए 1 day के लिए कितना था, यही तो था हमारे पास 4000 हैं, यही तो था 4000 1 person ऑफ 1 day कितना था, पहले बार इतना वो दिया है इसको डिवाइड करें इंप्लाइज फॉर्म ये वाले लीटर्स, जीरो से जीरो का से क्रॉस से ये आ गया था 3, ये आपका आंसर आपका 3 आया, ये आपका आंसर है। और इसमें आपको फाइंड करना है, यही फाइंड करना था, क्या पूछा था उसमें, व्हाट ऑफ दिस टैंक लास्ट मतलब हाउ मेनी डेज, कितने विल द वाटर ऑफ दिस लास्ट टैंक, 3 टैंक्स इसमें फाइंड होंगे, इसके फिर कितने टैंक्स लगेंगे, 3 टैंक्स लगेंगे इसमें, कितने टैंक्स 3, और इस 3 टैंक्स में हमारे पास यही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, सो दैट एनजीएस रिक्वायर्ड दिस सॉल्यूशन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, डेली जो रिक्वायरमेंट हो रहा था वो वाटर कितना पॉपुलेशन के लिए दिया है 150 लीटर्स दिया है, तो देयरफॉर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 4000 पर्सन, जो पर्सन के जो कितने पर्सन थे हमारे पास कितने पर्सन थे 4000 पॉपुलेशन, और यूज कितना हो रहा था 150 लीटर्स पर्सन ऑफ 1 day, 1 day के लिए, सो दैट 4000 मल्टीप्लाई 150 ये आपका आ गया 1 110 100
थाउजेंड, टेन थाउजेंड और लैक्स, सिक्स, ओके। यह आपका किसका लिस्ट, यह हमारा खंड हो गया। हमें खंड करना था नंबर ऑफ डेज कंसल ऑल वाटर, कंसल ऑफ वाटर टेन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टेन, जो वो टेन का वॉल्यूम क्या था हमारे पास, टेन का वॉल्यूम ये दिया है और टेन का वॉल्यूम ये है, वैल्यू ऑफ वाटर 4000 पर पर्सन ऑफ वन डे, जो 4000 व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा था वो कितना था, इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास, ये आई लीटर्स हैं 6 लाख लीटर्स। अब इसमें इसमें हमने इसका डिवाइड कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो ये कैंसिल, इस जीरो ये कैंसिल, इस जीरो से कैंसिल, इस जीरो से कैंसिल, 6 3 6 3 18, यही आपका आंसर होगा, दैट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, और ये आपको समझ में आ गया होगा।